नमस्कार इंडिया फर्स्ट के बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हेडलाइंस। मंत्री अजय चंद्राकर ने दी सौगात, राज्योत्सव में हुए शामिल, प्रदेश की उन्नति में जनभागीदारी की बात कही। छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव पर नारायणपुर में लगी प्रदर्शनी, प्रदेश की विकास गाथा बयां की, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। और कांकेर में भी राज्योत्सव की धूम, रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए, नन्हे मुन्नों ने मनमोहा। इंडिया फर्स्ट के बिग बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात धमतरी में मनाए गए राज्योत्सव की। इस मौके पर सूबे के मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी और प्रदेशवासियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। धमतरी में धूमधाम से राज्योत्सव मनाया गया। इस मौके पर सूबे के मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी और प्रदेशवासियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। धमतरी में आयोजित राज्योत्सव का मंत्री अजय चंद्राकर ने आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ भी किया। उन्होंने बताया कि सरकार की यही मंशा है कि प्रदेश का हर नागरिक सूबे के विकास में भागीदार बने और प्रदेश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता जाए। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता को जो सम्मान प्रदान किया, तो ये दिन वैचारिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी, और छत्तीसगढ़ लोगों को जो सम्मान मिला उनको, उनके प्रति भावना व्यक्त करने के लिए भी हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है तीनों दृष्टि से। और जब हम इस बात को व्यक्त करते हैं, इन भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो देखते हैं कि हम कहाँ 6,000 करोड़ से 80,000 करोड़ पर पहुँच गए। और धमतरी जिला ही नहीं, छत्तीसगढ़ का हर इलाका, समाज का हर क्षेत्र, हर वर्ग आज इससे, इस उन्नति से प्रभावित हुआ, और इसलिए हम लोगों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण दिवस है। आज धमतरी में आयोजन हुआ, सबकी भागीदारी हुई, और मैं सबको, आप सबको माध्यम से छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर पूरे प्रदेश में राज्योत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में नारायणपुर में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रदेश की विकास गाथा प्रदर्शनी के जरिए बयां की गई। नारायणपुर में धूमधाम से राज्योत्सव मनाया गया। नारायणपुर नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने यहां विकास की नई इबारत लिखी है वो काबिले तारीफ है। नारायणपुर के रहवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने और यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल कर किस तरह रोजगार परक योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया है, इसे प्रदर्शनी के जरिए दर्शाया गया। नक्सल उन्मूलन के लिए जो काम सुरक्षा बलों द्वारा इस इलाके में किए गए हैं, उनकी वानगी भी यहां देखने मिली। इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अब हम 18वें वर्ष में यह छत्तीसगढ़ प्रवेश कर रहा है। 18वां वर्ष नवयौवन काल का वर्ष होता है। मैं छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में यह छत्तीसगढ़ राज्य सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाला समय इस छत्तीसगढ़ के लिए और भी विकसित राज्य के रूप में स्थापित होने वाला। कांकेर में साल भी राज्योत्सव की धूम रही। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर मनाया जाने वाला राज्योत्सव इस साल भी जोशो खरोश के साथ पूरे सूबे में मनाया जा रहा है। कांकेर में भी राज्योत्सव की धूम रही, जहां इस मौके पर स्कूली बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और लोग शामिल हुए। इंडिया फर्स्ट के बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लॉग इन करें indiafirst.online। नमस्कार। Subscribe our YouTube channel and all notifications on your mail. Press the bell icon on YouTube app and never miss any update.